तो सी स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है व्हिच इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू फोर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब रेस टू 15। इसका एक्सपेंशन करना है और इसके अंदर एक्स रेस टू फोर जो है पावर वो उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब तक हमने जो किया है के बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे और एक्स रेस टू पावर फोर की जो कोएफिशिएंट है वो लिखते थे। ओके, तो वो मेथड अब आप लोगों को आ गई है, तो जे डबल ई के लिए जो हेल्पफुल मेथड है मैं वही यूज कर लेती हूँ यहाँ पे कि जिससे आप इजीली कर सकते हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आर प्लस वन टर्म जो है वो आता है। ओके, आर प्लस वन टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 15 CR एक्स रेस टू फोर रेस टू 15 माइनस आर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब रेस टू आर, ये होगा। ओके, तो ये जो है हमारा, अब इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 15 CR इंटू एक्स रेस टू, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इंटू 4 विच इज 16 माइनस 4R, और ये जो है वो 3R हो जाएगा तो -3R। विच इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट 50 CR एक्स रेस टू 60 -7R। ओके, ये हो जाएगी आर प्लस वन टर्म, ये कॉमन टर्म है। ओके, कोई भी टर्म है इसके अंदर सारे की सारी इसके अंदर आर की वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो हमें यही फॉर्मूला फॉर्मूला से ही हमें ये वो वाली टर्म मिलती जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, एक्स रेस टू फोर जिसका है वो हमें फाइंड करनी है टर्म। ओके, तो कोएफिशिएंट तो हमें पता है 15 CR ही होगा, लेकिन x रेस टू 4 मतलब ये जो पावर है x रेस टू उसको इक्वल टू 4 होनी चाहिए। तो x रेस टू 4 इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x रेस टू 60 माइनस 7R इज इक्वल टू x रेस टू 4, ये होगा। तो इसके ऊपर से अगर पावर्स कंपेयर कर ले तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 60 माइनस 7R इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसको ये 7R यहाँ पे ले जाएंगे और 4 यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा हमें, 7R is equals to 60 minus 4 which is 56 and which gives us R is equals to 8। ओके, तो R की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई, तो हमारा कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 50 CR। ओके, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स रेस टू 4 इज 50 C8, और 50 C8 जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली, राइट। ओके, तो 50 C8 क्या होगी, इसकी वैल्यू 6435। समझ में आया? ओके, तो जब हमें पूरा इसको नहीं सॉल्व करना है पूरा इसको नहीं हमें एक्सपांड करना है तो विदाउट एक्सपांशन हम इस मेथड से जा सकते हैं। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर टू। ओके, फर्स्ट का ही नंबर टू है हमारे पास व्हिच इज यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 √2⁴ प्लस 2 √3³। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके हमें इसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सॉल्ट ट्रिक नहीं आएगी, इसका हमें डायरेक्ट ही फाइंड करना पड़ेगा 2 √2⁴ एंड 2 √3³। ओके, अब इसके अंदर जो बुक के अंदर जो दिया हुआ है आंसर वो थोड़ा सा गलत है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सही है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो आंसर उसके अंदर आंसर दिया हुआ है 194 आई थिंक। ओके, लेकिन अगर आप इसको कैल्सी में भी करोगे तो भी 194 आंसर नहीं आ रहा है, और मेरा जो आंसर आ रहा है वही आंसर कैल्सी का भी आ रहा है, तो इट इज राइट। तो ये बुक वाला आंसर ही गलत है। हम इसको लेके चलते हैं बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले 2 √2⁴ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4C02⁴ इंटू √2⁦ प्लस 4C12³ इंटू √2⁡ प्लस 4C22² इंटू √2² प्लस
4c3 2 raised to 1 root 2 cube plus 4c4 2 raised to 0 into root 2 raised to 4 plus. अब ये हो गया हमारा कंप्लीट. ओके, अब इसके लिए करेंगे 2 माइनस रूट 3 रेस टू 3. तो 3c0 से स्टार्ट होगा, 3c0 2 क्यूब इंटू माइनस रूट 3 रेस टू 0 प्लस 3c1 2 स्क्वायर इंटू माइनस रूट 3 रेस टू 1 प्लस 3c2 2 रेस टू 1 रूट 3 रेस टू 2 प्लस 3c3 2 रेस टू 0 यहाँ पे माइनस रूट 3 था, माइनस रूट 3 क्यूब. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4c0 वी नो दैट 4c0 इज 1, 2 रेस टू 4 इज 16 इंटू रूट 2 0 इज 1 इंटू 4c1 इज 4 इंटू 2 क्यूब इज 8 इंटू रूट 2 प्लस 4c2 इज 6 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 इंटू रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 4c3 इज अगेन 4 इंटू 2 इज 2 एंड रूट 2 क्यूब इज 2 रूट 2 प्लस 4c4 इज 1 इंटू 2 रेस टू 0 इज 1 एंड रूट 2 रेस टू 4 इज 4 प्लस 3c0 इज 1 इंटू 2 क्यूब इज 8. ओके, यहां तक हो गया है. अब पीछे चलते हैं. प्लस 3c1 इज 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 इंटू माइनस रूट 3. ओके, अब क्या है? प्लस 3c2, 3c2 क्या होता है? 3c2 इज अगेन 3, राइट? माइनस रूट 3 क्यूब विच इज इक्वल टू रूट माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3 इंटू माइनस रूट 3, तो माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा ये. ओके, अब अगर इन सभी का एडिशन कर दे तो हमें जो सिंगल वाली टर्म है विदाउट रूट 2 और रूट 3 वो हमें मिल रही है 16 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 18 प्लस रूट 2 के साथ वैल्यू है हमारी 32 प्लस 16 इंटू रूट 2. माइनस रूट 3 है सभी के अंदर तो माइनस रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचा 12 प्लस 3. ओके, तो विच इज इक्वल टू इसका एडिशन हो रहा है 94 प्लस ये जो है वो हो रहा है 48 रूट 2 माइनस दिस वन इज 15 रूट 3. ओके, और अगर इसका हम गैलेक्सी से सॉल्यूशन कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 135.9014. और गैलेक्सी से अगर आप लोग इसको भी करोगे 2 प्लस रूट 2 रेस टू 4 प्लस 2 माइनस रूट 3 क्यूब तो भी आपका आंसर यही आने वाला है 135.9014. समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 व्हिच इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ नंबर 1 3 बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 x रेस टू 9. ओके, ये जो है इसका एक्सपेंशन करना है और इसका हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x की पावर 0 हो रही है जहां पे वो वाली टर्म हमें फाइंड करनी है. ओके, तो दो है हमारे पास, फर्स्ट वन ये है और सेकंड है हमारा रूट x प्लस 1 अपॉन 3 x स्क्वायर रेस टू 10. तो फिर से हम वही करेंगे, हमें पूरा इसको नहीं सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे, पहले r प्लस 1 टर्म लिख लेते हैं. तो r प्लस 1 टर्म is 9cr 3 by 2 x square raised to 9 minus r into minus 1 upon 2 x raised to r. ये है उसकी r plus 1 term. तो इसको हम लिखेंगे which is equals to 9cr. ये 9 है, क्यों नहीं है?
इज इक्वल्स टू 9 cr, ये क्या हो जाएगा 3/2 रेस टू 9 r, ओके वो हम अलग कर लेते हैं, यहां से -1/2 रेस टू r होगा, ओके इन टू, अब एक्स रेस टू क्या बचा, एक्स रेस टू टू एक्स स्क्वायर रेस टू 9 r है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 18 - 2 r, ओके ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या है एक्स रेस टू आर, ओके तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 9 cr इंटू 3/2 रेस टू 9 r इंटू -1/2 रेस टू आर इंटू एक्स रेस टू 18 - 2 r - r, तो इसके इक्वल्स टू हमें मिला 9 cr 3/2 raised to 9 - r minus 1/2 raised to r into x raised to 18 - 3 r, okay? अब हमें टर्म कौन सी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की जो पावर है वो जीरो हो जानी चाहिए, तो हम लिखेंगे x raised to 0 is equals to x raised to 18 - 3 r which gives us 3 r is equals to 18, okay? इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो this will give us r is equals to 6, तो हमें r की वैल्यू मिल गई, तो r की वैल्यू मिल गई तो हमारा जो कोएफिशिएंट है मतलब ये जो टर्म है वो हम लिख लेंगे, सो वी हैव 9c6 इनटू 3/2 रेस टू 9 - 6 इनटू -1/2 रेस टू 6 और क्या है बस ये हो गई हमारी टर्म, इनटू x रेस टू भी लिख लेते हैं 18 - 3 × 6, तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 9c6 इज इक्वल्स टू 9c3, ओके वी नो दैट, नाउ 3/2 9 - 6, ओके 9 - 6 होता है 3, तो 3³ हो जाएगा अपॉन 2 रेस टू, अभी देखो -1 रेस टू 6 तो +1 हो जाएगा 2 रेस टू 6, तो यहाँ पे है 2 रेस टू 3 + 6, तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू 9 इंटू एक्स रेस टू 0 which is equals to 9 × 8 × 7 divided by 3 × 2 × 1 into 3³ 3 × 3 × 3 divided by 2 raised to 9 which is 2³ × 2³ × 2³, ऐसे होता है, ओके अब 2³ जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2³ = 8, ओके अब ये जो 3 है यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, भले ही हमारे पास इतने सारे हैं, अब जो क्या बचा हमारे पास 2 × 1 and 3, मतलब 2 raised to 3 + 3 + 1, मतलब 2 raised to 7 बच गया, और ऊपर क्या बचा 9 × 3 × 3 which is 3 raised to 5 × 7 divided by 2 raised to 7, ओके और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 189/128, ओके ऐसे ही इसके अंदर जो सेकेंड था हमारे पास क्या है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/3x² raised to 10 x + 1/3x² raised to 10, okay. इसके लिए हमें फाइंड करना है वही वाली टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, okay, तो इसके लिए हम सबसे पहले वही r plus 1th टर्म फाइंड करेंगे, तो r plus 1th टर्म is equals to क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 cr square root of x raised to 10 - r into 1/3x² raised to r, okay, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 cr into x raised to 10 - r divided by 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये square root है, okay, divided by 3 raised to r into x raised to 2 r, okay, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 cr into 1/3 raised to r into x raised to क्या हो जाएगा 10 - r/2 - 2 r, ओके अब हमें क्या चाहिए, ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x की जो पावर है वो जीरो हो जाएगी, तो इसको कंपेयर कर देंगे
तो क्या है x रेस टू 10 माइनस r बाय 2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू x रेस टू 0 के, तो दिस विल गिव अस 10 माइनस r बाय 2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0 व्हिच विल गिव अस 10 माइनस r बाय 2 इज इक्वल्स टू 2r एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट 10 माइनस r इज इक्वल्स टू 4r r यहां पे चला जाएगा तो 10 इज इक्वल्स टू 5r हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस सॉरी r इज इक्वल्स टू 2 ओके तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई अब हमें वो टर्म फाइंड करनी है तो r की वैल्यू 2 इसके अंदर रख देते हैं क्या है 10 सी r इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म इज 10 सी 2 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 तो ये देखिए 10 माइनस 4 बाई 3 नहीं नहीं कुछ 10 माइनस r है ये तो 10 माइनस 2 विच इज 8 8 बाई 2 इज 4 माइनस 4 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू 2 ओके तो ये हो गया 4 माइनस 4 विच इज 0 तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 10 सी 2 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर ओके यही हमारा आंसर है बाकी तो x रेस टू 0 हो गया तो विच इज इक्वल्स टू 10 सी 2 क्या होता है 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 9 तो ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा एंड अवर आंसर इज 5 संडे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाकी छे ने ए भाई बाकी छे રાખો ટેસ્ટ નેક્સ્ટ एग्जाम्पल नंबर 3 उसका फर्स्ट डाउट लेक्चर के लिए आप लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे नहीं है मैंने बोला था आप लोग डाउट्स एक बार भेज दो सारे के सारे उसके बाद एक पूरा लेक्चर डाउट का रख देते हैं फिर सिर्फ आधे घंटे के लिए डाउट लेक्चर रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर के और ज्यादा चैप्टर के डाउट भी चलेंगे लेकिन एक बार डाउट जो है वो सारे इकट्ठे कर लो एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट इफ द एब्सोल्यूट टर्म क्या है इफ द एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 15 इज 3640 फाइंड द वैल्यू ऑफ के देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो यहाँ पे क्या करना है हमें बोला गया है अब देखिए यहाँ पे क्या है कुछ वर्डिंग्स है यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है क्या बोला है एब्सोल्यूट टर्म एब्सोल्यूट टर्म क्या होगी सिंपल सी चीज है x रेस टू 0 ओके जो हमने आगे यहां पे किया इंडिपेंडेंट ऑफ x वैसे ही यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करनी है
तो सबसे पहले वही फाइंड करेंगे आर प्लस वर्न्थ टर्म, ओके, और आर प्लस वर्न्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट, सॉरी which is 15 CR, square root of x raised to 15 minus R into k upon x square raised to R, ये हो जाएगी हमारी R plus 1 term, okay? जिसको हम ऐसे solve कर सकते हैं 15 CR into x raised to 15 minus R divided by 2, okay? यहाँ पे into k raised to R हो जाएगा और x raised to 2R यहाँ पे directly minus कर लेते हैं, तो हमारी ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होनी चाहिए, मतलब जीरो कर देंगे, तो इसको कंपेयर कर देंगे एक्स रेस टू 15 माइनस आर डिवाइड बाय 2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 0, देखो सेम है, यस 15 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r, तो दिस विल गिव अस 15 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0, हम इसको कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव अस 15 माइनस आर बाय 2 इज इक्वल्स टू 2r and this gives us 15 minus r is equals to 4r and r will goes the right hand side, so we have 15 is equals to 5r and which implies that r is equals to 3, तो हमें r की value 3 मिल गई, तो वो इसके अंदर रख देंगे तो क्या मिलेगा, अब हमें क्या बोला गया कि ये जो r की value अगर हम रख देंगे तो उसके बाद जो हमारी term है वो हो जाएगी 3640, तो वही लिखते हैं 15 cr into k raise to r, 15 CR into k raise to r, x की टर्म तो होगी ही नहीं क्योंकि वो 1 हो जाएगा, is equals to 3640, क्योंकि ये हो रही है 3640, तो which implies that अब r की वैल्यू 3 है तो 15 C3 into k cube is equals to 3640, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 15 into 14 into 13 divided by 3 into 2 into 1 into k cube is equals to 3640, ओके तो ये हो जाएगा 2 7s are 14 एंड 3 5s are 15, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सॉरी तो ये हमें मिलेगा 455 k क्यूब इज इक्वल्स टू 3640, ओके एंड व्हिच गिव्स अस k क्यूब इज इक्वल्स टू 3640 डिवाइड बाय 455 इज इक्वल्स टू 8 एंड वी नो दैट k क्यूब इज इक्वल्स टू 8 देन वी हैव k इज इक्वल्स टू 2. कोई डाउट नहीं है ना इसमें भी? नो है. ओके. तो देखते हैं इसका नंबर 2. सेकंड है, द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ y रेज टू 1 बाय 2 प्लस x रेज टू 1 बाय 3 raise to n is 45. Find the value of n. Okay, इसके n की value हमें find करनी है. अब ये क्या है? ये coefficient किसका है? 45 third term का. Okay, तो third term क्या होगा? n c 2. अब देखिए, JEE में questions आएंगे ना, वहाँ पे ऐसे ही बहुत कुछ दिया होगा. अब हमें सिंपल से पता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, y और x ही है, और x और y तो हमें लेना नहीं है क्योंकि क्या बोला गया है, कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट के अंदर नंबर ही आएगा, कुछ भी ऐसा x और y आने वाला नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, हमारा जो थर्ड कोएफिशिएंट होगा वो सिंपल सा NC2 होगा और कुछ नहीं होगा, तो हियर वी हैव NC2 इज इक्वल टू 45, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, विच गिव्स अस n into n minus 1 by 2 is equals to 45 and from this we can write that n square minus n is equals to 90, we can also write this n square minus n aata hai, so n square minus n minus 90 is equals to 0, isko solve karenge to kya milega, n square minus 10n plus 9n minus 90 is equals to 0, see n square minus n hai, okay, so which gives us n common, so n minus 10 plus 9 common, n minus 10 is equals to 0, and this will give us n minus 10 into n plus 9 is equals to 0. From this we can write that n is equals to 10 and n is equals to minus 9. So minus 9 तो obviously चीज़ है possible नहीं है, तो होगा n is equals to 10.
n is our answer, okay, wahi hame find karna tha. Next example number 4, which is use the binomial expansion to prove that rupees 1000 1 plus 4 by 100 raised to 10 is approximately equals to rupees 1480. Okay, अब ये लोग, ये तो आप लोग खुद से solve कर सकते हो. हमारे पास 1 plus x raised to n वाला formula है. With 1000 को तो बाहर ही common कर देना है. 1000 into क्या है NC0 plus NC1x plus NC2x square up to कहाँ तक जाएगा NCn x raised to n. ये होगा तो वही x की जगह पे हमारे पास 4 by 100 है और 10 जो है वो हमारी n की जगह पे है. सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1480. तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क में. अच्छा, कल का होमवर्क कर लिया सबने? No answer. Okay, number 5. Uska first. Then the expansion of 1 plus x raised to 10. नहीं आया आप लोगों का, करते हैं फिर. And the expansion of 1 plus x raised to 10, the coefficient of 2r plus 1th term is equals to the coefficient of 4r plus 5th term. Find r. क्या है 1 plus x raised to 10 है, उसका 2r plus 1th term जो है वो 4r plus 5th term के equal में है. तो हमें क्या find करना है, r की जो value है वो हमें find करनी है. तो वो क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें पता है 2r plus 1th term जो है, 2r plus 1th term, इसको कैसे लिखेंगे, 10c2r x raised to 2r, ये हमारी 2r plus 1th term है. And 4r plus 5th term, वो क्या हो जाएगा, 10c4r plus 4 into x raised to 4r plus 4, ये हो जाएगा. अब क्या बोला गया है कि इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, तो हमें r फाइंड करना है. इसका मतलब है 10c2r is equals to 10c4r plus 4 होगा. ओके, तो क्या लिखेंगे, 10c2r is equals to 10c4r plus 4 होगा. ओके, तो क्या करेंगे अब, इसको सॉल्व करेंगे. हाँ, कैसे, बहुत इजी है. ऊपर का तो 10 सेम है, तो नीचे का 2r is equals to 4r plus 4 होना चाहिए. तो लिख लेते हैं 2r is equals to 4r plus 4. ओके, अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2r minus 4r which is equals to minus 2r is equals to 4 and which implies that r is equals to minus 2 which is not possible. तो अब क्या करेंगे, any guesses? अगर ऐसा है, negative मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ऐसा example किया हुआ है, बोलो कोई.
किसी के पास आंसर नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि मैक्सिमम यूज किसका होगा, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R और दूसरा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये दोनों तो आपको नींद में भी याद आने चाहिए, कुछ भी हो जाए इसको नहीं भूलना है। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, 10CR इज इक्वल्स टू 10C, 10 माइनस 2R हो सकता है विच इज इक्वल्स टू 10C 4R प्लस 4 हो गया। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, 10 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 4R प्लस 4, तो हम वही करेंगे, 10 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 4R प्लस 4 एंड दिस विल गिव अस, ये 2R वहां पे चला जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 6R इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस विल गिव अस R इज इक्वल्स टू 1 जो हमें फाइंड करना था R की वैल्यू। ओके, मिल गई R इज इक्वल्स टू 1, समझ में आया? सो फिफ्थ का नंबर 2, विच इज इन 1 प्लस एक्स रेस टू 20 द कोएफिशिएंट ऑफ द आर्थ टर्म आर्थ टर्म टू दैट ऑफ द आर्थ प्लस वन टर्म इज इन द रेशियो वन जेम टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कि R की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? क्या बोला गया है कि जो Rth टर्म है और R plus 1th टर्म है, उन दोनों का जो रेशियो है वो 1 जेम 2 है। ओके, तो हमारे हमें ये तो पता है इसकी जो R R plus 1th टर्म मतलब Rth टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, 20 सी आर माइनस 1 एक्स रेस टू आर माइनस 1, ये हो जाएगी Rth टर्म। और R plus 1th टर्म कौन सी होगी, which is equals to 20 CR x raised to R, ये होगी हमारी आर्थ टर्म। अब इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो है 1:2, मतलब 20 CR minus 1 and 20 CR इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:2, तो हम उसका यूज करेंगे अब। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन we write that 20 CR minus 1 divided by 20 CR is equals to 1/2, aisa likh sakte hain. Okay, so from this we can write that 2 times 20 CR minus 1 is equals to 20 CR, simple si cheez hai. Ab kya karenge, ye to 2 hai, अब 20 सी आर माइनस 1, तो अब यहाँ पे तो हम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस आर माइनस 1 व्हिच इज 20 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 सी आर इज 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस विल गिव अस 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, R factorial है, इसको हम लिख सकते हैं R into R minus 1 factorial into 20 minus R factorial है, is equals to, अब ये क्या है, R minus 1 factorial है into 20 minus R plus 1 factorial है, तो इसको लिख सकते हैं 20 minus R plus 1 into 20 minus R factorial। ओके, तो 20 minus R factorial cancel हो जाएगा, R minus 1 factorial cancel हो जाएगा, तो from this we can write that 2R is equals to, ये क्या है, 20 minus R plus 1,
which implies that अगर ये r यहाँ पे चला जाए तो क्या होगा, 3r is equals to 21 and this will give us r is equals to 7, तो ऐसे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी. Yes. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, जो आया से दूर से और आ यहां आई जैसे अब r फैक्टोरियल छे तो r into r minus 1 into r minus 2 and so on 3 to 1 लिखा है, तो आपने r into r minus 1 फैक्टोरियल लिखी ना. ओके ओके सेम थिंग आमा करू, એટલે જ મેં પહેલા 21 ના લખ્યું, મેં અહીંયા 20 માઇનસ આર પ્લસ 1 રાખ્યું, તો તમને ખ્યાલ આવે કે 20 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ આપણે કેવી રીતે જઈએ છે. મેં અહીંયા 21 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ લખ્યું હતું, તમને ડાઉટ થાય કે 21 માઇનસ આર ઇન્ટુ 20 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ કેમ થયું, એટલા માટે મેં અહીંયા 20 માઇનસ આર પ્લસ 1 જ રાખ્યું. ઓકે સો નાઉ વી ગો ફોર ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 6. सिक्स का जो फर्स्ट है विच इज इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस के एक्स रेज टू 9 आर इक्वल, find the value of k. क्या करना है हमें यहाँ पे, कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब किसके, 3 प्लस के एक्स रेस टू 9, इसके जो भी कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है उसके जो कोएफिशिएंट हमें मिलेंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल होए तो फिर हमें फाइंड करना है k. तो एक्स स्क्वायर मतलब कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म, और एक्स क्यूब मतलब होगी फोर्थ टर्म. तो इसकी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म होगी 9c2 ओके इनटू 3 रेस टू 9 माइनस 2 इनटू के एक्स रेस टू 2 ओके, और फोर्थ टर्म ये कौन सी हुई, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म is क्या हो जाएगी 9c3 into 3 raised to 9 minus 3 into kx cube. तो ये है हमारी 9c2 3 raised to 9 minus 2 which is 3 raised to 7 into k square x square, और यहाँ पे है हमारे पास 9c3 3 raised to 9 minus 3 which is 6 into k cube x cube. अब क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट दैट 9c2 3 रेज टू 7 इनटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c3 3 रेज टू 6 इनटू के क्यूब, क्योंकि ये है तो यहाँ से स्क्वायर के स्क्वायर तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 6 भी कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 9c2 इज इक्वल्स टू 9 इनटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 इनटू 3 यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है व्हिच इज इक्वल्स टू 9c3 इज 987 डिवाइडेड बाय 3 टू 1 ओके इनटू क्या बचा हमारे पास, k बच गया है ठीक, तो 9 और 8 जो है वो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे ओके बचा क्या, यहाँ पे 3 इनटू 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नीचे 3 टू 1 है ओके, तो ये 2 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, नहीं करते हैं लेकिन कर लेते हैं ओके. तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल गिव अस के इज इक्वल्स टू 9/7. समझ में आया? यस सर. ओके तो इसका नंबर 2 देखते हैं, व्हिच इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/(x^2)(1)(x)^n), the coefficient of the fourth term the coefficient of the fourth term
is equals to the coefficient of the ninth term. Okay. Find n and the sixth term. Find n and sixth term. Okay, तो हमें क्या find करना है? एक तो n find करना है सबसे पहले और उसके बाद sixth term which is n c 5 वाली जो term है वो find करनी है. क्योंकि क्या बोला गया है कि coefficient of the fourth term is equals to coefficient of the ninth term. Okay, तो सबसे पहले क्या होगा? Fourth term is nc3 x square raised to n minus 3 into 1 upon x cube. Fourth term हो गई. अब क्या होगा? Ninth term is equals to nc8 x square raised to n minus 8 into 1 upon x raised to 8. Okay. तो हमें इसके ऊपर से ये तो पता है दोनों के सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है, तो NC3 इज इक्वल टू NC8 हो जाएगा. कि वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पे. तो विल अप्लाई दैट NC3 इज इक्वल टू NC8 ओके. क्या करेंगे बोलो, कैसे n फाइंड करेंगे? एनी गेसेस? अभी अभी हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हुआ है. एनी गेसेस? यस. क्या करेंगे? NC8 इज इक्वल्स टू NCn माइनस 3. So from that we can write that 8 is equals to n minus 3 and from that n is equals to 11. So our answer n is equals to 11. तो हमने n की वैल्यू जो है वो तो फाइंड कर ली, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया. अब क्या करना है? सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है. ओके, सो हेंस वी कैन राइट दैट सिक्स्थ टर्म इज NC5 इंटू एक्स स्क्वायर रेस टू एन माइनस 5 into 1 upon x raised to 5. यही है ना, x square raised to on 1 upon x. Okay, now n is equals to 11, so we have 11c5 into x square raised to 11 minus 5 to 1 upon x raised to 5, which is equals to 11c5 into x square raised to 11 minus 5 is 6, so we have x raised to 12 minus 5, which is equals to 11c5 x raised to 7. अब 11c5 बाकी है, which is 11 into 10 into 9, 8, 7 divided by 5, 4, 3, 2, 1. Okay, तो क्या करेंगे? 5 2s are 10, okay, 4 2s are 8, 3 3s are 9 into x raised to 7. तो इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका. ओके, तो ये हो जाएगा 462 इंटू एक्स रेस टू 7. यस, ओके ना. सो नेक्स्ट वन इसका ही है, नंबर 3. अच्छा,
let n be a positive integer if the coefficient of second, third and fourth term in the expansion 1 plus x raised to n are in arithmetic progression, which is AP, then find the value of n. Then we have to find the value of n. Okay, तो क्या है हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के और फोर्थ टर्म के, इन तीनों के जो कोएफिशिएंट है उसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे जो तीनों के तीनों टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. वी नो दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कल भी हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर ए बी सी हमारे पास थ्री टर्म्स है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. ओके, तो हमारे पास अब देखना है कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कौन सी है. तो 1 प्लस x रेस टू n है तो सिंपल सी चीज है, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो nc0 होगा प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब. ओके, तो ये होगी हमारी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. तो सेकंड टर्म इज nc1x, थर्ड टर्म is nc2 x square and fourth term is nc3 x cube. ये हमारे second, third and fourth terms है. अब ये जो terms है उसके जो coefficient है, देखो पूरी term नहीं उसके जो coefficient है वो arithmetic progression में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह पे हमारे पास है nc1, b के जगह पे है nc2 और c की जगह पे है nc3. So we can write that 2b, which is 2 times nc2 is equals to a, which is nc1 plus nc3. Okay, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 2 times nc2. nc2 हमें पता है क्या होता है, n into n minus 1 divided by 2 is equals to nc1, क्या होता है सिंपल से n plus nc3 होता है n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 into 2 into 1. ये हो गया हमारा. अब देखिए ये 2 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. अब n जो है दोनों साइड हर एक में है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब क्या लेंगे हम, LCM ले लेंगे. तो ये क्या हो रहा है 3 into 2 into 1 which is 6. तो 6 हम यहाँ पे अगर ला ले तो क्या हो जाएगा, which is equals to 6 n minus 6. ये देखो 6 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 6 n minus 6 which is equals to, अब यहाँ पे क्या है n minus 1 into n minus 2, आगे यहाँ पे हमारे पास है 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 plus n minus 1 into n minus 2 which is n square minus 3n plus 2, ये ऐसा हो जाएगा. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 6n minus 6 is equals to n square minus 3n plus 3. उसको पूरा लिखे तो क्या हो जाएगा, सबको एक ही साइड कर लेते तो n square minus 3n minus 6n which is minus 9n, ये plus 3 and minus 6 which is minus 3 yes minus 6 plus 9 yes plus 9 so yahan pe hume milega plus 9 is equals to 0 to इसका सॉल्यूशन n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 9, ऐसा तो कौन सा पार्ट्स होंगे जिसके इक्वल्स टू हमें यहाँ पे 9 मिलेगा, नॉट पॉसिबल ना. नाइन के तो दो ही पार्ट होते हैं, 3 इंटू 3 एंड 9 इंटू 1. बुक के आंसर के हिसाब से जाए तो ये वाला 1 नहीं लेंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8. ओके,
तो आंसर होगा n स्क्वायर माइनस 9m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8 इनटू 1 व्हिच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 8n माइनस n प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, दिस विल गिव अस n कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 8 माइनस 1 कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट n इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 1. बट n is equals to 1 is not possible. क्यों possible नहीं होगा? क्योंकि हमें x की पावर n है और second, third and fourth term लेनी है. second, third and fourth term n equals to 1 के अंदर होगी ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा n is equals to 8. okay, book का आंसर यही है, n is equals to 8. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, उसके अंदर फर्स्ट करते हैं विच इज, एक मिनट, तू दो सवाल क्या भेजेगा? तुम क्या जीतोगे? मैं आगे नहीं जाऊँ. बाय बाय. सो 7th का फर्स्ट विच इज फाइंड the coefficient of x raised to 7 1 minus x raised to 4 into 1 plus x raised to 9. इसके अंदर x raised to जो power 7 है उसका coefficient find करना है. तो इसको तो हम पूरा expand ही करेंगे क्योंकि multiplication भी करना है, बहुत easy रहेगा. क्या है 1 plus x raised to 9? सबसे पहले 1 minus x raised to 4 है, वो multiplication में लिख देते हैं. इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 9 क्या हो जाएगा? 9c0 इंटू एक्स रेस टू 0 प्लस 9c1 एक्स प्लस 9c2 एक्स स्क्वायर प्लस 9c3 एक्स क्यूब प्लस 9c4 एक्स रेस टू 4 प्लस 9c5 एक्स रेस टू 5 प्लस 9c6 एक्स रेस टू 6 प्लस 9c7 एक्स रेस टू 7 प्लस 9c8 x raised to 8 प्लस 9c9 x raised to 9. कि अब हमें क्या चाहिए? पावर x raised to 7. तो x raised to 7 एक तो यहाँ पे है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9c7 x raised to 7. अब x raised to 4 है तो माइनस x raised to 4 है. अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x raised to 7 आएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 7 हो जाएगा. तो माइनस 9c3 x raised to 4 into x cube, ये हो गया. तो x raise to 7 अगर कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचा? 9c7 minus 9c3. ओके, तो which is equals to 1 मिनट देख लेते हैं ये एग्जांपल खत्म करके. क्या है? 9c7 x raise to 7, 9c7 minus 9c3, sorry, 9c7 minus 9c3 is answer. क्या हो जाएगा? 9c7 is equals to 9c2 minus 9c3. 9c2 is 9 into 8 divided by 2 into 1. माइनस 9c3 इज 987 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 2 इनटू 1. तो ऊपर से 9 इनटू 8 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 4. ओके, अंदर क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस 7 बाय 3. तो ये हो जाएगा
36 into 3 minus 7 divide by 3 और इसका जो आंसर है 12 into minus 4 which is minus 48 ये हो जाएगा हमारा आंसर. देख लेते हैं ये जो इक्वेशन. अच्छा कहाँ पे मिस्टेक हुई है? टू इंटू एन एन माइनस वन बाई टू, टू टू कैंसल विच इज इक्वल टू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन. तो यहाँ पे अच्छा हाँ यहाँ पे सिक्स होगा जाएगा प्लस वन की जगह पे. राइट राइट माई मिस्टेक. ओके दिस इज सिक्स. तो सिक्स प्लस टू इज एट, यहाँ पे एट हो जाएगा. तो विच इज एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो. तो 14 हो जाएगा 7 इंटू टू. इसी को करेक्ट कर लेते हैं. इसको हम क्या लिखेंगे? ये कैंसिल कर देना. एन स्क्वायर माइनस नाइन एन माइनस सॉरी प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस सेवन एन माइनस टू एन प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो. एंड दिस विल गिव अस एन कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा? एन माइनस सेवन माइनस टू कॉमन, अंदर बचेगा एन माइनस सेवन विच इज इक्वल टू जीरो. तो दिस विल गिव अस एन इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू सेवन. टू जो है वो पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे बोला था. तो आंसर हो जाएगा एन इज इक्वल टू सेवन नॉट एन इज इक्वल टू एट. यस लास्ट वन मिनट. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? x ની પાવર 7 હોય એનો કોએફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, રાઈટ? તો એનો કોએફિશિયન્ટ આમાંથી x રેઝ ટુ 7 છે. આ 9c7 x રેઝ ટુ 7. હવે આ જે આખી ટર્મ છે ને આપણે આની સાથે મલ્ટીપ્લાય પણ કરવાની છે 1 x રેઝ ટુ 4. તો 1 સાથે આખી ટર્મ ને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x રેઝ ટુ 7 આપણને એક જ ટર્મ માં મળશે વિચ ઇઝ 9c7. ઓકે હવે માઇનસ x રેઝ ટુ 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો અહીંયા x રેઝ ટુ 4 આવશે. ઓકે અહીંયા આવશે x રેઝ ટુ 4 + 1 વિચ ઇઝ 5. અહીંયા પણ x રેઝ ટુ 4 આવશે તો 4 + 2 = 6. અહીંયા પણ આવશે તો 4 + 3 = 7. ઓકે તો હવે આપણે શું જોઈએ કે x રેઝ ટુ 7 કા જો કોએફિશિયન્ટ હે વો હમે ચાહીએ. તો x રેઝ ટુ 7 યહાં પે મિલ રહા હે 9c3 કે ઉપર માઇનસ x રેઝ ટુ 4 સે મલ્ટીપ્લાય કરને સે. તો વહી હમને કિયા માઇનસ 9c3 x રેઝ ટુ 4 ઇનટુ x³. યે હમને મલ્ટીપ્લાય કિયા હુઆ જો ટર્મ હે વો નિકાલા હે બીચ મે સે એક ટુકડા દિયા હુઆ હે. ઓકે તો અબ યહાં પે x રેઝ ટુ 7 જો હે વો કોમન નિકાલ લિયા ક્યુંકિ ક્વેશ્ચન મે હમે માંગા હુઆ હે કે x રેઝ ટુ 7 કા જો કોએફિશિયન્ટ હે વો ફાઇન્ડ કરો. તો વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x રેઝ ટુ 7 ઇનટુ 9c7 minus 9c3. ओके तो 9c7 minus 9c3 पड़ी गया ना? हाँ. ओके तो हवे आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. वन मिनट.